मॉर्निंग ऑल ऑफ एवरीडे स्टूडेंट, आज कक्षा 10 के मैथ्स के मॉडल पेपर की बात करेंगे और हमारा पहला मॉडल पेपर का पहला क्वेश्चन ये रहेगा। तो देखिए, हमारा पहला क्वेश्चन है सूत्र एक अधिगम पूर्णन का प्रयोग करते हुए 31 से 1/6 × 31 से 5/6 का मान लिया करो। तो देखिए इसका हल, इसमें 31 क्या है, दोनों समान है, तो निकिलम अंक कितना हो जाएगा, निकिलम अंक बराबर कितना होगा 31। ये क्या होता है जब दोनों समान अंक तथा शेष अंक, शेष अंक कितना है 1/6 + 5/6। यदि इनका योग 1 या 10 या 100 आ रहा हो तो एक अधिकन पूर्वण विधि लगेगी। तो एलसीएम लेंगे 6 1 + 5 = 6/6 = 1, इसलिए हमारी ये शर्तें लग जाएगी। तो सूत्र एक अधिकन, सूत्र एकाधिकेन बराबर क्या हो जाएगा, 31 को गुणा करेंगे एकाधिकेन यानी एक अधिक, तो 31 को तो गुणा कर देंगे 32 से, यानी जो हमारा शेष अंक है उनको वापस में गुणा कर देंगे। तो 5 × 5 = 6 = 36, फिर इसके ऊपर 31 को गुणा करेंगे किससे, 32 से, 31 दूनी 62 का 2 बच गए कितने 6 31 3 93 93 और 6 292। तो अब लास्ट में क्या करना है दोस्तों, इस लाइन को अपन हटा देंगे तो हमारा आंसर हो जाएगा 992 से 5/36। तो देखिए दोस्तों, अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 1/(x-3) + 1/(x-7) = 1/(x-1) + 1/(x-9) जब भी हमारे पास ऐसी कंडीशन आएगी नीचे हर है समान हो तथा अंश का मान क्या हो समान हो, तब हम क्या करते हैं वाम पक्ष के हर को जोड़ देते हैं, मतलब बाएं पक्ष के और दाएं पक्ष दोनों हरों को क्या करते हैं जोड़ देते हैं। तो मैं इधर क्या करूंगा, x + 3 + x-7 और इधर क्या करूंगा x-1 + x-9, अब इनको जोड़ूंगा तो एक्स और एक्स 2x और ये माइनस का है, सॉरी तो माइनस का 3 और माइनस का 7 कितना हो गया 10 बराबर कितना है एक्स और एक्स 2x, माइनस का 1 और माइनस का 2 माइनस के 10। तो अब क्या करना है, जब दोनों पक्षों के हर का मान समान आए तो हमें इनके 0 के बराबर रखना है, 2x - 10 बराबर क्या करना है 0। तो 2x बराबर 10, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 10/2, यानी हमारा आंसर रहेगा 5। तीसरा क्वेश्चन देखो दोस्तों स्टूडेंट, हमारा तीसरा क्वेश्चन है 196 के अभाज्य गुणनखंडों की घातों का योगफल। तो अब पहले क्या करेंगे अपने 196 क्या करेंगे अभाज्य गुणनखंड, तो 196 लिखता हूँ मैं इनके अभाज्य गुण, सबसे पहले 2 का भाग दूंगा, 2 का भाग देने पर कितना आएगा 9, फिर ये कितना गया 1 + 8, फिर 2 का दिया मैंने फिर कितना गया 4 9, फिर 7 का जाएगा 7 और फिर कितना जाएगा 7 का 1। अब यहाँ पे क्या करना है घातों का योग, तो घात लो तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ क्या कि 2 की पावर 2 × 7 की पावर 2, यानी 7 भी 2 बार आ रहा है 2 भी 2 बार आ रहा है, तो इनकी घातों का योग करना है यानी 2 + 2, तो हमारा आंसर रहेगा 4। नेक्स्ट क्वेश्चन फोर्थ क्वेश्चन है हमारा कोस की पावर 50° और कोसेक की पावर 40° का मान ज्ञात करो। तो देखो यहाँ पे इस कोस को मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या कि कोस 90 - 40° और इसको मैं ऐसे कैसे लेने देता हूँ कोसेक 40° क्यों, इसको मैंने ऐसे कैसे लिखा क्योंकि कोस 90 - थीटा बराबर साइन थीटा, इसलिए मैंने इसको ऐसे लिखा है, मैं इसको साइन थीटा की फॉर्मूला हूँ, तो यहाँ पे थीटा का मान 40 है तो यहाँ पे भी कितना हो जाएगा 40, यानी साइन 40° × कोसेक 40°। अब इसका मान दोस्तों कितना होगा, साइन और कोसेक आपस में उल्टे होते हैं इसलिए इसका मान कितना होगा 1, क्योंकि साइन 40° × इसको क्या लिख सकता हूँ अपॉन साइन 40°, इससे ये कैंसिल हो जाएगा इसलिए हमारा आंसर हो जाएगा 1। अब स्टूडेंट पांचवा क्वेश्चन,
फिफ्थ क्वेश्चन है, यदि एक ऊर्ध्वाधर छड़ की लंबाई तथा उसकी छाया की लंबाई का अनुपात 1:3 हो तो सूर्य का उन्नयन कोण ज्ञात करो। तो देखो इसको कोण बताना है, तो सबसे पहले तो मैं क्या लेता हूँ, समकोण त्रिभुज, ये इसकी क्या हो गई लंबाई, तुम इस लंबाई को तुम माना, लंबाई तो हो गई 1x और ये इसकी छाया कितनी हो गई √3x और हमें ये उन्नयन कोण बताना है, कोण का मान बताना है। तो मैं ए बी सी, ए बी बराबर तो क्या होगी लंबाई और बी सी बराबर क्या होगी छाया की लंबाई। अब यहाँ पे क्या करना है कि ये वाला कोण बताना है, तो ये कॉम्बिनेशन कहाँ पे आएगा कि लंब, ये तो हो गया इसका लंब और ये हो गया क्या आधार, तो ये हमारा कॉम्बिनेशन रहेगा। देखो एल ए एल के ए, यानी हमारा ये कॉम्बिनेशन कहाँ पे रहेगा टेन थीटा में, तो मैं इसको करता हूँ टेन थीटा इज गस टू लंब बटा आधार, यानी टेन थीटा बराबर 1x बटे में √3x, एक्स से एक्स कट जाएगा 1/√3, यानी टेन थीटा बराबर 1/√3। तो थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा टेन इनवर्स 1/√3, 1/√3 कितने टेन का मान होता है, तो थीटा इज इक्वल टू इसका आंसर हो जाएगा, ये 30 डिग्री का मान होता है, अतः 30। पांचों क्वेश्चन के आंसर ये हो गए हैं, थीटा का मान कितना डिग्री आएगा 30 डिग्री। अब हमारा छठवां क्वेश्चन लेते हैं, वीडियो में 30 क्वेश्चनों तक बने रहे गारंटी के साथ है, आपके सभी टॉपिकों के सभी क्वेश्चन हो जाएंगे। और यदि वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक करें तथा अपने फ्रेंड्स में इसको शेयर करें जरूर, ताकि उनका भी कुछ अच्छा हो जाए और मैथ्स का पेपर तो उनका भी तो है ना, और चैनल को सब्सक्राइब करें। देखो हमारा क्वेश्चन है, दो दिए गए बिंदुओं का समदूरस्थ बिंदु का बिंदु पते लिखिए। तो दो बिंदु हैं, उनकी दूरी जिस बिंदु से समान है, जैसे मान लो ये ए ये बी है, ये सी बिंदु से ए सी बराबर बी सी, ये समदूरस्थ हो गया। अब इसका बिंदु पथ बताना है, तो इसका बिंदु पथ क्या होगा, इस पे क्या होगा लंब, यानी दो दिए गए बिंदुओं के समदूरस्थ बिंदु का बिंदु पथ उस पे क्या होगा समकोण होगा। तो बिंदु पथ क्या होगा, दो दिए गए दो समदूरस्थ बिंदु का बिंदु पथ क्या होगा, उस रेखा पे क्या होगा समकोण या लंब समद्विभाजक होगा, इसका लंब समद्विभाजक होगा, तभी तो ये मध्य बिंदु होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, सेवंथ क्वेश्चन है, वृत्त के केंद्र से समान दूरी पर स्थित जीवों की लंबाई का अनुपात ज्ञात करो। जैसे मान लो ये वृत्त है, ये इसका क्या हो गया केंद्र। अब जैसे ये जीव है, ये जीव है, यानी केंद्र से इसकी दूरी क्या है समान है, तो ये ओ है, ये ए है, ये बी है, यानी ओ ए बराबर क्या है ओ बी, तो ये क्या हो जाएगा बी सी डी ओ। तो केंद्र से समान दूरी पर स्थित जीवों की लंबाई होगी समान, हाँ ये हम जानते हैं, अर्थात बी सी बराबर क्या हो जाएगा बी सी बराबर ई डी, ये बी सी और ये क्या है समान है, अतः इन दोनों का अनुपात कुछ है, बी सी का और ई डी का अनुपात कुछ है, तो इस समीकरण में से बी सी का मान रख देंगे यहाँ पे ई डी, तो ई डी अनुपात ई डी और ई डी से ई डी कट जाएगा, यानी ए का अनुपात ए का हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आठवां क्वेश्चन, एक बार फेंकने पर भी समांक का नहीं रहता, तो देखो कुल परिणाम कितने होंगे, पहले तो कुल परिणाम क्या होंगे, देखो एक आ सकता है, दो भी आ सकते हैं, तीन भी आ सकता है, चार भी आ सकता है, पांच भी आ सकता है, छह भी आ सकता है, ये तो हमारी क्या है उसकी प्रायिकता है अंक आने की, और कुल परिणाम कितने होंगे 6। अब बात कर रहे हैं विषम अंक आने की, यानी अनुकूल परिणाम, तो वो क्या होंगे, अब विषम अंक आने चाहिए, तो विषम क्या हो गया, एक तो एक हो गया, एक तीन हो गया और एक क्या हो गया पांच, तो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, तो कितने परिणाम हो गए ये 3, तो प्रायिकता कितनी हो जाएगी, तो 3/6 यानी 1/2। यदि इसी क्वेश्चन को कैसे पूछता है सम अंक आने की प्रायिकता, तो भी कितनी होती 1/2, क्योंकि सम अंक भी कितनी 2, 4 और 6, तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा 1/2। अब हमारा नवा क्वेश्चन है, किसी नगर में टैक्सी का किराया पहले
किलोमीटर का 5 रुपए तथा उसके बाद 3 रुपए तय की गई दूरी x किलोमीटर है तथा y किराया है। तो इसको समीकरण रूप में देखो, पहले किलोमीटर का कितना है 5 रुपए, यानी मैं लिखता हूँ 5। पहले किराए की बात कर लेते हैं तो y बराबर किराया किस किस का लगा है, तो हल में क्या हो जाएगा भाई, तो पहले किलोमीटर का तो कितना हो गया 5, फिर बचेगा कितना किलोमीटर भाई, मैं x किलोमीटर मान लेता हूँ, x किलोमीटर दे रखा है तो x किलोमीटर में से 1 किलोमीटर का तो 5 ले लिया, तो 1 कम कर दूँ, बाकी इसको गुणा कितने से करा देता हूँ, 3 रुपये किराया है, तो हमारे पास टोटल क्या आ गया किराया, तो मैं इसको देख लेता हूँ 5 प्लस ये इसको अंदर मल्टीप्लाई 3x-3, अब ये इसमें एड हो जाएगा, यानी 5 में से 3 कटेगा तो कितना बचेगा, ये हो गया 3x+2 बराबर वाई। हम इसको ऐसे हल करते हैं तो इसका आंसर हो जाएगा 3x-y+2 बराबर 0। ये हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, 10वीं क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 10 है, यदि एक खंभे के आधार से 200 मीटर दूरी स्थित प्लेटफॉर्म के बिंदु बिंदु की चोटी पर लगी हुई कैमरे का उन्नयन कोण 60 डिग्री है, तो खंभे को चाहिए। दोस्तों इसका हल रहेगा ये, मैं लेता हूँ पहले खंभा, ये क्या हो गया, ये प्लेटफॉर्म का कोई बिंदु है यहाँ पे, ये क्या हो गया खंभा, ये इसका बिंदु है, यहाँ से इसकी चोटी का उन्नयन कोण कितना है 60 डिग्री, और इसके आधार बिंदु से ये दूरी कितनी है 200 मीटर, तो हमें ये ऊंचाई इसकी ज्ञात करनी है, तो ये क्या हो गया ए बी सी 90 डिग्री कोण हो गया। अब इसमें क्या करना है, इसमें ऐसा कॉम्बिनेशन देखना है कि इसमें ये और ये हो, तो ऐसा कॉम्बिनेशन क्या होगा टेन थीटा, क्योंकि इसमें लंबी आ जाएगा और ये आधार भी आ जाएगा, तो मैं इसको लिखता हूँ टेन थीटा इज इक्वल टू लंब बटा आधार, यानी इसको ऐसे लिख दूँ टेन 60 डिग्री बराबर, लंब का मान हमें पता करना है, यानी खंभे की ऊंचाई कितनी है एच, तो मैं इसको एच लेता हूँ और आधार कितना हो गया 200 मीटर, टेन 60 का मान कितना होता है √3 और एच बटा 200 मीटर। अब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो एच का मान आ जाएगा, तो एच इज इक्वल टू क्या हो जाएगा √3 × 200 मीटर, यानी एच इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1.732 × 200, तो ये दो बिंदु यहाँ पे पॉइंट इधर आ जाएगा, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, इसको 200 मीटर लगेंगे 4, 6, 17, 34, अब ये दो अक्षर है, दो अक्षर छोड़ के पॉइंट लगा देंगे, यानी दो ये पॉइंट यहाँ पे लग रहा है, अब इसको गुणा करेंगे 100 से, तो ये अक्षर किधर आ जाएगा 34, 346.4 मीटर, ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो ये समझ में आया कि नहीं आया, इसको 200 से गुणा कर लेना, अब मैंने मेरे हिसाब से कर दिया है, ये क्वेश्चन आपके समझ में आ गया होगा। अब हमारा 11वां क्वेश्चन और ये एक एक नंबर वाले क्वेश्चन खत्म हो गए हैं, अब आएंगे 2 नंबर वाले, फिर उसके बाद में 3 नंबर वाले, तो दोस्तों वीडियो में अंत तक बने रहे। अब देखें हमारा 11वां क्वेश्चन, देखो 11वां क्वेश्चन है, दो हिंदी योग विधि द्वारा 6889 का वर्गमूल ज्ञात करें। देखो 6889, अब करना क्या है, दो अक्षर छोड़ के हमें लाइन देंगे, पहली सबसे पहले क्या करेंगे, ये लाइन ऐसे लेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे, ये कितने के वर्ग का आसपास है, तो ये दोस्तों 8 के वर्ग के आसपास है, यानी 8 के वर्ग के आसपास है, यानी 64, तो हमारा शेषफल कितना बचा 4, तो मैं इस 4 को यहाँ ले जाता हूँ और इस 8 का डबल लिख देता हूँ यहाँ पे दोस्तों। अब नई संख्या हमारे पास कितनी है 489, अब मैं यहाँ पे ऐसी कौन सी संख्या लिख के गुणा उसी संख्या से गुणा करूँ कि याद है दोस्तों, जैसे मैं 1 लिखता हूँ तो 1 से फिर मैं यहाँ पे 1 लिखा, यहाँ पे भी 1 लिखा, 1 से गुणा करूँ तो 161 आएगा, इसके आस पास होना चाहिए, फिर मैं 2 लिखता हूँ तो 2 से इसको गुणा करेंगे तो ये कितना आएगा, 2 × 4 और 16 × 32 यानी 300 के आसपास, मैं इस पे यहाँ पे 3 लिखता हूँ तो देखो 3 × 3 = 9 बन रहा है और 16 × 3 = 48 यानी पूरा बन गया, यानी शेषफल कितना बचेगा 0, तो हमारा आंसर कितना हो गया 83 हमारा आंसर हो जाएगा। द्वंद्व योग विधि द्वारा इसका आंसर कितना हो जाएगा 83 का वर्ग है। अब 12वां क्वेश्चन देखें, यदि दो संख्याओं का गुणनफल 525 है तो उनका मैसे ज्ञात करें, तो देखो इसका सूत्र होता है क्या, जैसे हम जानते हैं सूत्र होता है संख्याओं का गुणनफल
बराबर संख्या का मैस इंटू लेस। जो हमारे पास देर की वो चीज लिख देंगे, यहाँ पे गुणनफल कितना दे रखा है 525, अरे बराबर में मैस कितना दे रखा है 5 गुणा एलसीएम। तो एलसीएम बराबर क्या हो जाएगा, एलसीएम बराबर हो जाएगा 525 भाग 5, 5 एकम 5, इसमें दो भाग नहीं जा रहा, 105 हमारा क्या हो जाएगा आंसर, यानी हमारा एलसीएम कितना हो गया 105। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन है एक घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 216 मीटर स्क्वायर है, घन की जगह लिखो, घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है 6 गुणा भुजा स्क्वायर। अब देखो यहाँ पे क्या कितना लिख दूंगा, ये दे रखा है 216 मीटर स्क्वायर बराबर 6 गुणा भुजा स्क्वायर, पहले मैं 6 का भाग दूंगा इसमें, तो देखो 6 18 फिर बच गया कितना 3 6 6 36 मीटर स्क्वायर बराबर भुजा स्क्वायर। अब भुजा का मान बताना है अपन को, तो भुजा भुजा बराबर कितना हो जाएगा 36 का अंडर रूट 36 मीटर स्क्वायर का, तो ये कितना 36 का तो हो गया 6 मीटर स्क्वायर का हो गया मीटर, तो हमारी भुजा कितनी हो जाएगी 6 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, एक अर्धगोले की त्रिज्या 7 सेमी है, उसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करो। तो देखो दोस्तों इसमें क्या होगा, अर्धगोला, अर्धगोला ये बना देता हूँ, अर्धगोला ये अर्धगोला हो गया। अब इसमें इसकी त्रिज्या कितनी दे रखी है 7 सेमी, कितनी दे रखी है 7 सेमी। अब इसमें करना क्या है कि ये पूरे गोले का तो कितना होता है 4πr² क्षेत्रफल, तो आधे का कितना हो गया 2πr², अब सॉरी πr², 4πr² पूरे का हो गया, तो आधे का कितना हो गया 2πr². अब इसमें क्या करना है, ये क्या हो गया ऊपर चकती, ये भी क्या है गोला, तो इसका कितना और जोड़ देंगे πr², इसका ऐड कर देंगे, यानी हमारा संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना हो जाएगा 3πr², यानी 3 × 22 / 7 × 7 × 7, 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, 22 × 3 = 66, 66 को 7 से गुणा करेंगे 7 × 42 का 2 + 4, 7 × 42 और 42 और 4 कितने हो गए 46, ये क्या हो जाएगा। यदि क्षेत्रफल ज्ञात करना है तो विमा का क्या करते हैं वर्ग करते हैं, ये सेमी में, तो ये क्या हो जाएगा सेंटीमीटर का स्क्वायर, तो हमारा आंसर ये हो जाएगा। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 15, 24 मीटर ऊंचे पोल पर यातायात नियंत्रण सीसीटीवी कैमरा लगा है, ताकि ये पोल के शीर्ष से 25 मीटर दूरदृष्टि रेखा के आगे यातायात देखा जा सके, पोल के चारों ओर अदर्शनीय वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करें। स्टूडेंट वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन जरूर लिख ले। तो इसका हल देखो, इसका हल क्या होगा, ये हमारा क्या है पोल है, इस पोल के ये पोल कितना दे रखा है 24 मीटर, 24 मीटर का पोल है, यहाँ पे क्या लगा हुआ है कैमरा, क्या लगा हुआ है कैमरा, ये इसका चीज है, यहाँ से ये दूरदृष्टि रेखा यानी शीर्ष से 25 मीटर, यानी ये 25 मीटर से आगे तक का देख सकता है, यानी ये इसकी दूरी कितनी हो गई 25 मीटर, क्या हो गई 25 मीटर। अब ये क्या बनाएगा, एक वृत्त बनेगा, ऐसे ऐसे वृत्त बनेगा कि नहीं बनेगा भाई, इतना ये क्षेत्र नहीं देख सकता, तो इसलिए हमें क्या चाहिए पहले इसकी, ये क्या हो गई इसकी त्रिज्या, तो ये चाहिए पहले अपन को, तो इसके लिए अपन क्या करेंगे कि भाई ये ले लेता हूँ मैं ABC, तो अब ये क्या हो जाएगा BC स्क्वायर पाइथागोरस प्रमेय से BC स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा AC स्क्वायर माइनस AB का स्क्वायर, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, तो बीसी का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25 का स्क्वायर बराबर बीसी कितना है हमारे पास है बीसी स्क्वायर हमें ज्ञात करना है, एसी स्क्वायर बराबर कितना 25 का स्क्वायर माइनस 24 का स्क्वायर, 25 का कितना हो गया दोस्तों 625, इसका कितना हो जाएगा 576, इसमें से लेस करेंगे तो 49 और BC इज इक्वल टू कितना हो गया 49 का अंडर रूट ले लेंगे, तो BC इज इक्वल टू कितना हो गया
सात सेमी। तो ये हो गया सात सेमी। वृत्त का क्षेत्रफल, दर्शनीय वृत्त का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, यानी 22 बटा 7 गुणा 7 गुणा 7, 7 से 7 कट जाएगा, तो 7 को इससे गुणा करेंगे तो 154 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हमारा क्या रहेगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। अब हम भाग से के क्वेश्चनों की बात करेंगे जिसमें प्रत्येक क्वेश्चन 3 नंबर का है। तो हमारा पहला क्वेश्चन है 16 से लेकर 25 तक कितने नंबर के? 3 नंबर के। तो क्वेश्चन है विभाजन एल्गोरिथम पद्धति द्वारा बहुपद है पी एक्स बराबर एक्स की पावर 4 माइनस 3 एक्स स्क्वायर प्लस 4 एक्स माइनस 3 को जी एक्स एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 1 एक्स से भाग देने पर शेषफल तथा भागफल ज्ञात करें। तो देखो विभाजन एल्गोरिथम प्रमेय में क्या होता है कि पहले तो जो जी एक्स है ना उसको सिक्वेंस में लिखो, यानी एक्स की घटती हुई घात के रूप में। तो मैं जी एक्स क्या हो जाएगा अपना, जी एक्स हो जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वन से मल्टीप्लाई करना मतलब एक्स, और ये क्या हो गया प्लस क्या 1। अब इसमें आप उनको पी एक्स में इसका भाग देना है, तो मैं इसको भाग विधि में लिख लेता हूं। तो देखो पहले क्या लिखूं, एक्स की पावर 4 माइनस 3 एक्स स्क्वायर प्लस 4 एक्स माइनस 3। अब यहाँ पे मैं क्या लिखता हूँ एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। तो देखो सबसे पहले यहाँ पे जो पद है उसका पहले पद में भाग देंगे, यानी हमारे पास कितना है एक्स स्क्वायर का एक्स की पावर 4 में भाग देंगे तो कितना आएगा दोस्तों एक्स की पावर 2। अब इस एक्स की पावर 2 को सभी से गुणा कर देंगे, तो इससे मैंने इसको गुणा कराया तो ये तो क्या हो गया एक्स की पावर 4, मैंने इसको इससे गुणा किया तो ये क्या हो गया माइनस का एक्स क्यूब। अब ये इससे प्लस प्लस दोनों प्लस, तो ये कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर। पहले मैं इसको लिख लेता हूँ, फिर मैंने इसके क्या किया यहाँ पे माइनस होगा, ये माइनस होगा तो ये किसका हो जाएगा प्लस का, और ये किसका हो जाएगा माइनस का, तो ये तो कट जाएंगे। अब देखो एक्स की पावर 3 ये तो अलग ही पद है, तो मैं इसको पहले लिख देता हूँ, लिख दिया। अब देखो यहाँ पे करना क्या है, ये जैसे ही एक्स स्क्वायर ये क्या किसका था प्लस का, ये किसका चिन्ह हो गया माइनस का, तो इसमें से माइनस 3 एक्स स्क्वायर में से एक्स स्क्वायर कटेगा तो कितना देगा 4 एक्स स्क्वायर। अब यहाँ से 4 एक्स से कैसे बच जाएगा माइनस 3। अब क्या करना है वही पहले पद वाले का पहले पद में बाहर देना है, तो कितना होगा एक्स प्लस का एक्स, मैं इसको इससे गुणा करता हूँ तो एक्स की पावर 3 माइनस ये एक्स स्क्वायर, फिर ये कितना हो जाएगा माइनस का सॉरी प्लस का एक्स। अब ये क्या करेंगे ये कटाएंगे, ये जुड़ जाएगा ये माइनस हो जाएगा तो ये तो कट जाएगा। अब ये देखो इसको मैं प्लस करता तो ये कितना हो गया 3x स्क्वायर, माइनस के 4x स्क्वायर में माइनस के 4x स्क्वायर में मैं एक्स स्क्वायर ऐड करता हूँ तो 3x स्क्वायर माइनस के, और ये कितना हो जाएगा इसमें से कटाता हूँ तो 3x प्लस का 3x भाई इसमें से कटेगा माइनस का 3। अब जैसे मैं फिर इसमें भाग देता हूँ तो यहाँ पे तो हो जाएगा माइनस का 3x स्क्वायर, इसमें तो ये तो हो गया माइनस का 3x स्क्वायर, फिर ये हो जाएगा प्लस का 3x, और ये कितना हो जाएगा माइनस का 3। तो देखो माइनस के 3x स्क्वायर, तो मैं इसको क्या करता हूँ पहले ये तो हो जाएगा प्लस, और ये क्या हो जाएगा माइनस, और ये क्या हो जाएगा प्लस। तो देखो ये माइनस के 3x स्क्वायर में प्लस के 3x, ये तो कट जाएगा। अब ये 3x में से 3x जाएगा ये भी कट जाएगा, ये 3 ये माइनस का 3 है और ये किसका है 3 प्लस का 3 है, तो ये दोनों आपस में होंगे तो इसका ये कितना हो जाएगा शेषफल कितना हो जाएगा 0। तो शेषफल तो हमारा 0 हो जाएगा, और भागफल कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 3। तो ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, ये तो क्या हो गया भागफल, और ये क्या हो गया शेष फल। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट 17वां क्वेश्चन है एक समांतर श्रेणी का दूसरा व तीसरा पद क्रमशः 3 और 5 है, तो उसके प्रथम 20 पदों का योगफल ज्ञात करो। तो हम श्रेणी को कैसे लिखेंगे, जैसे दूसरा पद है तो ए टू बराबर ए भाई प्रथम पद हो गया प्लस डी यानी इसका सारांश, और ये ए थ्री तो मैं ए थ्री को ऐसे लिख सकता हूँ क्या ए प्लस टू डी। अब यहाँ पे इनके मान रख दो ए टू ये प्रथम पद का दूसरे पद का तो मान रखना 3, तो मैं इसको लिखता हूँ 3 बराबर ए प्लस डी, और ये कितना हो गया ये ए थ्री बराबर कितना 5 बराबर ए प्लस टू डी। तो ये समीकरण हो गया 1, ये समीकरण हो गया कौन सा 2। अब मैं क्या करता हूँ ये जो दो समीकरण है ना उसमें से एक समीकरण घटाता हूँ, तो मैं लिख दूँ यहाँ पे समीकरण
दो माइनस समीकरण एक यानी a प्लस टू डी बराबर पांच माइनस a प्लस डी बराबर तीन। अब इसको मैं बैठाऊंगा माइनस माइनस ये भी माइनस ये तो कट जाएंगे, टू डी में से डी गया तो कितना बचा डी बराबर देखो पांच में से तीन कटेगा तो कितना बचेगा दो, तो हमारे पास डी का मान तो कितना हो गया दो। डी का मान दो है, डी का मान समीकरण एक में रखने पर जैसे आप समीकरण एक में रखोगे तो देखो तीन बराबर ए प्लस डी का मान दो रख दिया तो ए का मान कितना हो गया एक। भाई ये तीन में से दो कटेगा तो एक, यानी प्रथम पद तो कितना हो गया एक, डी कितना हो गया दो, एन का मान कितना दे रखा है बीस, और हमें बीस पदों तक का क्या बताना है योगफल, तो एस बीस इजकल टू भाई एस एन बराबर सूत्र क्या होता है एन बटा दो टू ए एन माइनस वन डी, टू ए प्लस एन माइनस वन डी। तो हमें क्या करना है n का मान रख दिया मैंने यहाँ पे 20, एस 20 इजकल टू 20 बटे में दो, और दो एक का मान कितना रखू एक, फिर यहाँ पे प्लस का साइन है, n का मान कितना है 20, 20 में से मैंने कितना घटाया एक, और d का मान कितना रख दिया मैंने दो, तो ये तो कितना हो गया 19 गुणा दो प्लस दो एक कम दो, 19 दोनों 38, 38 प्लस दो यानी 40, और ये 20 इसको काटेंगे तो 10, ये गुणा में होता रहेगा 10, ये 10, 38 को 2 से गुणा करेंगे तो कितना हो गया 40, और 40 को 10 से गुणा करेंगे तो कितना हो गया 400, तो हमारा लास्ट एंड आंसर कितना रहेगा 400। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, स्टूडेंट 18 क्वेश्चन है, एक मीनार के आधार से 9 मीटर तथा 25 मीटर दूरी पर एक ही रेखा पर स्थित दो बिंदुओं से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण परस्पर पूरक है, मीनार की ऊंचाई ज्ञात करो। देखो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, ये तो क्या हो गई मीनार, ये ले लेता हूँ मैं मीनार, इस मीनार की ऊंचाई ज्ञात करनी है इसलिए मैंने इसको एच मान लिया। अब देखो इस पे एक बिंदु तो ये है, मैं इसको ये ले लेता हूँ, इसको बी ले लेता हूँ, इसको सी ले लेता हूँ, और ये दोस्तों हमारा कितना डी। अब देखो यहां से देर का एक क्वेश्चन में साफ साफ 9 मीटर, तो मैं इसको तो लिख देता हूँ 9 मीटर तथा 25 मीटर दूरी आधार से, तो यहां से ये दूरी कितनी होगी 25 मीटर, यहां से कोण और यहां से कोण देख लें दोनों से, मैं इसको थीटा मानता हूं तो आपस में पूरक है, तो ये कितना हो जाएगा 90 माइनस थीटा। अब देखो एक बार तो मुझे कुछ लेंगे एबीसी, तो मैं यहाँ पे इसका हल में लिखता हूँ त्रिभुज ए बी सी से, त्रिभुज ए बी सी से क्या हो जाएगा टेन थीटा बराबर, टेन थीटा बराबर लंब बटा आधार हो जाएगा ना, तो टेन थीटा बराबर क्या हो जाएगा लंब बटा आधार, तो मैं इसको लिखता हूँ एच बटा दो, ठीक है इसको मैं देता हूँ समीकरण एक, ठीक है। इसी प्रकार क्या लेता हूँ ये वाला ए बी डी, इसी प्रकार समकोण त्रिभुज ए बी डी से, तो ये क्या हो जाएगा देखो ये भी टेन थीटा, तो मैं इसको लेता हूँ टेन 90 माइनस, अब इसमें थीटा का मान कितना है 90 माइनस थीटा, लंब कितना है एच और आधार कितना है 25, ये दे देता हूँ समीकरण दो। समीकरण दो वे समीकरण एक से यहां पे क्या करना है दोनों को आपस में क्या करना है गुणा करना है, तो मैं इसको ऐसे लिख दूं क्या कि tan थीटा इंटू tan 90 माइनस थीटा बराबर h बटा 9 गुणा h बटा 25। अब देखो tan 90 माइनस थीटा क्या लिख सकते हैं cot थीटा, तो tan थीटा इंटू cot थीटा बराबर क्या हो जाएगा एच स्क्वायर बटे में 9 गुणा 25, इसको ऐसे ही रखेंगे, ठीक है। देखो tan थीटा और cot थीटा को आपस में गुणा करेंगे तो कितना होगा एक, क्योंकि tan थीटा cot थीटा को मैं ऐसे लिख सकता हूँ एक बटा tan थीटा
बराबर एच स्क्वायर बटे में 225। अब देखो इसको इससे काट लेंगे, 25 को 9 से गुणा करेंगे 225, तो एक बराबर एच स्क्वायर बराबर 225, 225 इधर जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई, तो एच स्क्वायर इक्वल टू कितना जाएगा 225, तो एच का मान कितना हो जाएगा 225 का क्या ले लेंगे अपन अंडर रूट लेंगे, 225 का अंडर रूट होता है दोस्तों 5, तो ये ऊंचाई कितनी जाएगी 15 मीटर, ये हमारा क्या रहेगा आंसर। नेक्स्ट 19वां क्वेश्चन, क्वेश्चन है दी गई आकृति में यदि ओपी इंटू ओक्यू बराबर ओआर इंटू ओएस तो दर्शाइए कि कोण ओपीएस बराबर कोण ओक्यूआर व कोण ओक्यूआर तथा ओएसपी बराबर है। तो देखो इसमें क्या करेंगे, ये तो क्या हो गया इसका शीर्ष अभिमुख कोण, क्या हो गया शीर्ष अभिमुख कोण, और इस वाले समीकरण को लेते हैं तो हल में क्या लिखेंगे OP इंटू OQ बराबर OR इंटू OS, तो मैं क्या करता हूँ OR को इधर ले जाता हूँ और इस OQ को इधर ले जाता हूँ, तो देखो तो ये हो जाएगा OP बटे OR बराबर, और इधर क्या है OS और इसके नीचे मैं क्या ले देता हूँ OQ, और क्या ये तो क्या हमें दिया है, क्या है दिया है हमने ज्ञात क्या कर लिया कोण POS बराबर कोण ROQ बराबर है, क्यों शीर्षाभिमुख कोण, शीर्षाभिमुख कोण। अब करना क्या है जब दो कोण दोनों में एक एक कोण बराबर है तथा भुजाओं का अनुपात समान है, अतः मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं SAS नियम से त्रिभुज एक त्रिभुज तो ये हो गया, तो मैं लिख दिया इसमें कौन कौन सी भुजाओं का अनुपात समान है, तो देखो कोण तो दोनों में ओ आ रहा है ओ, अभी मैं निरूपण कर रहा हूं ये समरूप का चिन्ह हो गया, इधर भी क्या जाएगा ओ, अब देखो यहां पे क्या है ओपी और इधर क्या है ओ आर, तो मैं यहां लिख दिया P और यहां पे क्या लिख दिया R, अब इसमें तो बचा है S और इसमें क्या बचा है Q, तो ये हो गया दोनों त्रिभुज आपस में क्या हो गई समरूप। अब समरूपता नियम से बाकी कोण भी क्या होंगे समान होंगे और बाकी भुजाओं का अनुपात भी क्या होगा समान होगा, अतः अब देखते हैं कि अतः कोण OPS OPS यानी ये वाला कोण किसके बराबर होगा OQR, अतः कोण OPS बराबर क्या होगा ORQ और कोण OQR बराबर कोण OSP, ये क्या है संगत कोण से इति सिद्धम। क्वेश्चन नंबर 20, एक त्रिभुज ABC की माध्यिकाएं AD, BE और CF एक बिंदु से गुजरती है, यदि AD बराबर 9 सेमी GE बराबर 4.2 सेमी GC बराबर 6 सेमी है तो AG, BE व FG की लंबाई ज्ञात करो। देखो इस क्वेश्चन को ऐसे करेंगे, सबसे पहले मैं त्रिभुज बना दूँ, ये त्रिभुज है हमारा ABC, इसकी तीनों माध्यिकाएं जी से गुजरती है, तो पहले मैं एक माध्यिका लेता हूँ, ये तो कौन सी हो गई AD, ये हो गई BE, ये हो गई CF, ये बिंदु जीभ से गुजर रही है, तो दिया क्या है AD बराबर कितना देर का है 9 सेमी, GE बराबर कितना देर का है 4.2 सेमी, GC बराबर देर का है 6 सेमी। हल हम जानते हैं कि त्रिभुज की माध्यिकाएं एक अनुपात दो में विभाजित करती है, अर्थात AG अपॉन
जी डी बराबर क्या होगा 2:1, यानी ये दो दो एक्स है तो ये कितनी होगी 1x, ऐसे ही यदि ये 2x है तो ये कितनी होगी 1x, यदि ऐसे ही ये 2x है तो ये कितनी होगी 1x। अब हमें क्या करना है, अब हमें दे रखा है ए डी, तो ए डी ए डी बराबर क्या हो गया 2x प्लस एक्स बराबर 3x, और इसके मान कितना दे रखा है 3x इज इक्वल टू कितना दे रखा है 9 सेम, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3 सेम। अब हमें पूछा किसका मान है, यहाँ पे पूछा है ए जी, तो ए जी ए कितना होगा, ए जी बराबर कितना, ए जी बराबर कितना होता है 2x, यानी ए जी की वैल्यू हो जाएगी 2 × 3 यानी 6 सेम। इसी प्रकार जी ई, देखो जी ई का अनुपात कितना रहेगा, एक्स अनुपात तो रहेगा एक्स, और ये कितना है 4.2 सेमी, तो एक्स का मान हो गया 4.2 सेमी। पूछा क्या है यहाँ पे बी ई, बी ई कितना होगा टोटल, बी ई बराबर कितना होगा 3x, ये दो तो इसका एक ही इसका, तो 3x यहाँ पे 4.2 रख देंगे, तो बी ई इक्वल टू कितना देगा 3 × 4.2, 3 × 6 = 4, आंसर होगा 12.6 सेमी। इसी प्रकार इसमें क्या करना है, जी सी, जी सी का मान दे रखा है, जी सी कितनी है 2x इज इक्वल टू कितना दे रखा है 6 सेमी, तो एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, एक्स की वैल्यू हो जाएगी 3 सेमी। और पूछा किसका है, एफ जी, एफ जी एफ जी का अनुपात रहेगा एक्स, तो एक्स की वैल्यू अपने पास कितनी है 3 सेमी, तो एफ जी इज इक्वल टू हो गया 3 सेमी। आंसर ये आंसर, ये आंसर, रियल आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, दी गई आकृति में एक्स वाई जेड का मान ज्ञात करो। अब देखो जो आकृति दी गई है वो दोनों क्या है, चक्रीय चतुर्भुज। अब चक्रीय चतुर्भुज की दो प्रॉपर्टी है, तो वो पहले अपन वो लिख लेते हैं तभी अपन को इसका मान पता चलेगा। तो देखो सर चक्रीय चतुर्भुज, चक्रीय चतुर्भुज, अब इसमें क्या क्या होता है, देखो फर्स्ट देखो यदि ये कोण है, इसके समकोण कौन सा है सी, ए के समकोण कौन सा है सी, डी के समकोण कौन सा है बी, यदि इनका इस ये वाला कोण इसके बाईस कोण की क्या होगा समान, तो पहली कंडीशन क्या रहेगी, सम्मुख कोणों का योग 180 डिग्री होगा, फर्स्ट कंडीशन दे रही है। सेकंड कंडीशन, सम्मुख बाईस कोण बराबर होगा, देखो सम्मुख बाईस कोण का मतलब क्या है, ये दिए 65 डिग्री, तो इसके सामने वाला कोण क्या होगा सी, तो इसके बाहर जो भी कोण है वो क्या होगा बराबर होगा। तो देखो ध्यान दें, मैं इसको करता हूं चतुर्भुज ए बी सी डी से, तो देखो कोण ए जितना है उतना कोण कौन सा हो जाएगा, कोण एफ सी बी, क्यों, क्योंकि इसमें कौन सी कंडीशन लगेगी, शर्त लिख दो यहां पे दूसरी, क्योंकि ये क्या हो जाएगा इसका समकोण का बाईस कोण, तो ये कितना है 65 डिग्री, तो कोण एफ सी बी भी कितना होगा 65, समीकरण एक। इसी प्रकार कोण ई बी सी, ई बी सी यानी ये वाला एक्स, और ये बराबर देखो इसका समकोण ये वाला 91, तो ये कितना हो जाएगा कोण डी, तो इसका मान तो है एक्स, और ये कितना हो जाएगा 91 डिग्री, तो एक्स का मान तो कितना हो गया 91 डिग्री। इसी प्रकार एक कंडीशन हो रहा है, इसी प्रकार वो कंडीशन क्या है, देखो ये जो फर्स्ट वाली कंडीशन है ना,
जैसे 180 डिग्री होगा, तो मैं इसी प्रकार में क्या लेता हूँ कि को चतुर्भुज बी ई एफ सी से। तो देखो कोण बी प्लस कोण एफ बराबर कितना होना चाहिए 180 डिग्री। कौन सी कंडीशन है? शर्त है पहली, फर्स्ट कंडीशन। तो मैंने बी का मान तो कितना मेरे पास है 91 डिग्री, प्लस कोण एफ का मान मेरे पास है जेड 180। मैं 180 में से ये घटाऊंगा तो z बराबर क्या हो जाएगा 180 माइनस 91, तो z का मान मेरे पास कितना आ जाएगा 89 डिग्री। इसी प्रकार मेरे क्या लेना है कोण e और c, तो कोण e प्लस कोण c बराबर कितना होगा 180 डिग्री। कोण c का मान अभी निकाले थे, कोण c का मान कितना आया था 65 डिग्री, यानी ये वाला। तो ये कोण सी का मान समीकरण एक से रखने पर, जैसे ही मैं यहां पे 65 डिग्री रखूंगा तो कोण ई प्लस कोण 65, कोण सी का मान 65 डिग्री बराबर 180, तो कोण ई बराबर कितना हो जाएगा 180 माइनस 65। 100 इसमें से 65 लेस करेंगे तो 5 17 में से 6 गए तो 115 डिग्री, कोण ई बराबर 115 डिग्री, यानी कोण ई का मान मतलब क्या है कोण ई बराबर वाई, तो वाई बराबर कितना हो गया 115 डिग्री। तो हमारे आंसर ये हैं, एक्स का मान 91 डिग्री, जेड का मान कितना हो गया 89 डिग्री, और वाई का मान कितना हो गया 115 डिग्री। अब हम हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये रह गए दोस्तों, ये समझ में आया होगा, ये समझ में आ गया होगा। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक चार सेमी त्रिज्या के वृत्त पर बाह्य बिंदु पी से दो स्पर्श रेखा पी ए तथा पी बी की रचना करें, जहां पर पी ए है पी बी के मध्य का कोण कितना है 65 डिग्री। पहले हम कच्चा चित्र देखें, तो जैसे ये वृत्त ले लेंगे अपन, ठीक है, इसकी त्रिज्या कितनी है 4 सेमी। अब देखो यहाँ से क्या लेना है अपन को, एक क्या खींचनी है यहाँ से और यहाँ से, मैंने इस स्पर्श रेखा ली एक, ये इसका क्या होगा पी बिंदु वाई बिंदु। अब पी ए और ये क्या हो गया पी ए व पी बी के मध्य कोण, यानी ये कितने डिग्री का है 65 डिग्री। तो हमें पहले ये कोण कितने डिग्री का बनाना पड़ेगा, दोनों देखो ये चतुर्भुज बन गया पी ए ओ बी, ये चतुर्भुज बन गया, तो इसमें ये कोण कितने डिग्री का हो जाएगा भाई, दोनों कोणों का समूह कोणों का कोण कितना होना चाहिए 180, तो ये कितना हो जाएगा 115 डिग्री होगा कि नहीं होगा, होगा। इसलिए अपन सबसे पहले क्या करेंगे 115 डिग्री का कोण बनाएंगे, फिर उसके बाद में 115 डिग्री के कोण पे ये OA और OB त्रिज्या को सेट करेंगे, फिर यहाँ पे 90 डिग्री के कोण से कितनी त्रिज्या बने दो स्पर्श रेखाओं की रचना कर देंगे। तो सर्वप्रथम क्या करो देखो, फर्स्ट हल में क्या लिखता हूँ, फर्स्ट कंडीशन क्या रखता हूँ मैं, दिया है। अब दिया है क्या, दिया है कोण ए पी बी बराबर 65 डिग्री, और हम जानते हैं कि कोण ए पी बी प्लस कोण ए ओ बी बराबर 180 डिग्री। तो देखो ए पी बी का मान तो कितना मेरे पास 65 डिग्री, प्लस इसका मान कितना रख दूंगा कोण ए ओ बी बराबर 180, तो कोण ए ओ बी बराबर कितना हो जाएगा 180 माइनस 65, यानी कोण ए ओ बी बराबर कितना होगा 115 डिग्री। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, सब 115 डिग्री के कोण बना लेंगे, फिर उसके बाद में क्या करेंगे ये दोनों स्पर्श रेखा खींचेंगे। स्पर्श रेखा खींचने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले 4 सेमी की, सबसे पहले यहाँ पे एक चांदी की सहायता से 115 डिग्री का कोण बनाएंगे, यानी मैं एक ये 4 सेमी की रेखा ले लेता हूँ। अब चांदे से नाप के ये कोण कितने डिग्री का बना लेता हूँ 115 डिग्री, मान लो ये है, मैं चांदे का उपयोग नहीं कर रहा हूँ, आप चांदे से बना लो, तो ये कितना हो गया। अब मैं यहाँ पे प्रकार की सहायता से 90 इस बिंदु पे 90 डिग्री का कोण बनाऊंगा, तो जैसे देखो इस बिंदु पे रखूंगा तो मेरे को ये रेखा मेरे को ऐसे लेनी पड़ेगी, तो ये 90 डिग्री का कोण बन जाएगा, तो ऐसे ये स्पर्श रेखा ये रहेगी
एक स्पर्श रेखा 90 डिग्री का कोण बनाते हुए ये दोनों स्पर्श रेखा ये इसलिए लेंगे, तो ये तो जाएगा 65 डिग्री, ये हो जाएगा 115 डिग्री, और ये ए, ये बी और ये पी बिंदु है। तो हम इसकी ये रचना में जो भी अपन इसमें काम करेंगे वो शुरू से लिख देंगे, और ये क्वेश्चन ऐसे ही करेंगे। तो ये यदि कोण पूछे तो ये कितने डिग्री का होगा, 115 डिग्री का कोण होगा, और हम इसकी रचना कर सकते हैं। ये तभी बनेगा चित्र जब अपने 115 डिग्री पहले निकाल के फिर 115 डिग्री पे दोनों त्रिज्याओं को रेंज करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 23वां क्वेश्चन, एक वृत्ताकार पार्क की त्रिज्या 4.2 मीटर है, पार्क के चारों ओर 1.4 मीटर चौड़ा रास्ता बना है, तो रास्ते का चित्रफल क्या करूँ। रास्ते का चित्रफल का मतलब ये है कि उसके शक्ति का क्षेत्रफल क्या करूँ। देखो ये पार्क है, इस पार्क है, ये मैं पार्क बना देता हूँ, इसके अंदर ये पार्क है, इसकी त्रिज्या मान लो 4.2 मीटर। अब ये रास्ता है वो कितना है, 1.4 मीटर का, तो मैं ये हो गया कितना 4.2। अब यदि इस टोटल करूँगा तो 4.2 + 1.4 ये ओ बिंदु हो गया, यानी अपन को क्षेत्रफल चाहिए इसका। तो क्षेत्रफल का इसका सूत्र क्या होगा, रास्ते का क्षेत्रफल बराबर पाई आर वन का स्क्वायर माइनस पाई आर टू का स्क्वायर, यानी मैं इसको ऐसे लिख दूं, पाई को मैं ले लिया आर वन का स्क्वायर माइनस आर टू का स्क्वायर, यहाँ पे पाई ऐसे कैसे आ जाएगा, मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ आर वन प्लस आर टू, ए का स्क्वायर माइनस बी के स्क्वायर से कर लेंगे इसको, आर वन माइनस आर टू कर ली। यहाँ पे क्या है, आर वन तो कितना है देखो 4.2 + 1.4 यानी 5.6 मीटर, और आर टू कितना है, ओनली आर टू, आर टू कितना हो जाएगा अपने पास 4.2 मीटर, इसमें लगा दें तो 22/7 गुणा, मैं आप लिखता हूँ 4.2 + 1.4, ये तो सॉरी ये हो गया आर वन प्लस आर टू, आर वन का मान ले लिया मैंने यहाँ पे, एक आर वन तो ले लेता हूँ 4.2 + 5.6 R2 ये हो गया 4.2, सही है। तो मैं इनको क्या क्या करता हूँ, आर वन प्लस आर टू, आर वन हो गया मेरे पास 5.6, आर वन का मान हो गया 5 पॉइंट, तथा इसको अपन इसमें से क्या कर देते हैं, लेस कर देते हैं, यानी आर वन तो कितना हो गया 5.6 - 4.2, तो मैं इसको ले लेता हूँ 22/7 गुणा, देखो ये तो कितना देगा 8, 4, 4, 10 की 0 बच गया कितना 1, तो ये तो हो गया 7, 5, 4, 7, 7 इसको इंटू ये कितना हो गया, तो लेस करेंगे तो 4 और ये कितना हो गया 1, मैं इसको काट देता हूँ, ये इसको गुणा कर देंगे 14/22 से गुणा कर देता हूँ, मैं 14/22 से गुणा करेंगे 14 × 28 = 8 बच गया कितना 2, 14 × 28 = 30 30.8 मीटर स्क्वायर। इसी के साथ अपना 24वां क्वेश्चन देखते हैं। 24वां क्वेश्चन है, एक रोलर की लंबाई, एक रोलर की लंबाई 2.5 मीटर है और व्यास 1.4 मीटर है, 10 चक्कर लगाने में रोलर कितना क्षेत्र समतल करेगा। तो देखो इसमें क्या करेंगे, ये जैसे रोलर है, ये रोलर का डायग्राम इस तरीके से, इसकी लंबाई यानी मेजर की, यानी इसको ये बेलनाकार हो गया तो इसकी एच एच हो जाएगी, तो एच तो कितनी है 2.5 मीटर, और इसका व्यास कितना है, ये वाला व्यास इसका 1.4 मीटर यहां से यहां तक,
तो इसकी आर बराबर एच बराबर तो कितना हो गया 2.5 मीटर, आर कितना हो जाएगा यहाँ पे 0.7 मीटर। ठीक है, अब ये क्या बन रहा है बेलन, एक चक्कर, 10 चक्कर का निकालना, तो एक चक्कर निकालना बेटा, एक चक्कर का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र होता है दोस्तों 2πRh। मैं यहाँ पे लिखता हूँ 2 × 22/7 × 0.7 × 2.5 मीटर, ये भी मीटर। अब देखो करना क्या है, यहाँ पे ये एक, यहाँ पे जीरो, ये पॉइंट हट गया, यहाँ पे जैसे ही इस पॉइंट का तो एक और ये जीरो, 7 से 7 कट गया। ठीक है, अब इनको गुणा कर लेते हैं और फिर 100 का भाग दे देंगे, 22 × 44 × 25/100। अब देखो 25 × 100, इसको 4 से काटे तो 11, यानी 11 मीटर स्क्वायर। 10 चक्कर में 11 मीटर स्क्वायर आया, तो 10 चक्कर में कितना जाएगा 10 × 11 मीटर स्क्वायर, यानी कितना हो गया 110 मीटर स्क्वायर, ये हमारा क्या रहेगा आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, एक थैले में 1 सफेद 2 काली 3 लाल गेंद है, यदि थैले में से याद रंचे निकाली जाती है, कोई गेंद याद रंचे निकाली जाती है, तो निम्न की प्रायिकता ज्ञात करो, जैसे पहले ये गेंद सफेद हो, दूसरी गेंद काली न हो, गेंद लाल हो। तो देखो एक तो कैसी है सफेद, 2 काली 3 लाल, कुल गेंद कितनी हो गई 6 है। अब देखो प्रायिकता, पहले की प्रायिकता, गेंद सफेद हो, यानी पहला है गेंद सफेद हो, अनुकूल परिणाम, अनुकूल परिणाम क्या रहेंगे, यहां पे गेंद सफेद हो तो एक, और कुल परिणाम, कुल परिणाम हो गए यहाँ पे 6, तो आंसर कितना हो जाएगा 1/6, तो P बराबर कितना हो जाएगा 1/6 हमारा आंसर हो जाएगा। इसी तरीके से दूसरे में क्या है, गेंद काली न हो, यानी काली गेंद तो नहीं हो, तो 3 × 1 = 4, तो 4/6, देखो अनुकूल परिणाम तो कितना होगी 4, और कुल परिणाम हो जाएंगे 6, तो 2 से काटेंगे 2 × 2 = 4, 2 × 3 = 6, यानी 2/1। तीसरा क्वेश्चन है इसी प्रकार हमारा, गेंद लाल हो, तो लाल गेंद कितनी है 3, तो अनुकूल परिणाम तो जाएगा 3, और कुल परिणाम कितना हो जाएंगे 6, काट देंगे तो आंसर कितना हो जाएगा 1/2, तो ये हमारे क्या हो जाएंगे आंसर, ये हमारे 3 हो गए, क्या हो जाएंगे 3 आंसर हो जाएंगे। अब अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन जो कि सहभाग तो कंप्लीट हो गया, इसमें सभी क्वेश्चन 3-3 नंबर के थे, अब आएंगे जो भी क्वेश्चन है वो 6-6 नंबर के, और ये हमारे क्वेश्चन है 5। वीडियो में लास्ट तक बने रहे, सिद्ध करने वाले क्वेश्चन इसी में रहेंगे, ये वाले क्वेश्चन करना आपको बहुत जरूरी है, समझना भी जरूरी है। निम्न रेखीय समीकरण युग्म को आलेखी विधि द्वारा हल करो, 2x + y = 6, 2x - y = 2, और जो x + y का मान भी ज्ञात करो। तो इसमें क्या होगा कि जो x + y का मान तो वो होगा, जैसे अपन ग्राफ बनाएंगे, ग्राफ से एक्स और वाई का मान आएगा, उसको लिख देंगे। तो मैं सबसे पहले आपको ग्राफ में आपको ये बता देता हूँ कि सारणी कैसे बनाए, निर्देशांक कैसे निकाले। तो फर्स्ट वाला समीकरण लेते हैं, समीकरण एक 2x + y = 6, तो देखो इसकी सारणी कैसे बनेगी, मैं यहां पे लिखता हूं एक्स, यहां पे एक्स लेता हूं, फिर यहां पे क्या लेता हूं वाई। तो पहले मेरे को क्या करना पड़ेगा, एक्स का मान मैं 0 रखता हूं, तो जैसे मैं यहां पे 0 रखूंगा तो ये तो 0 हो जाएगा, तो वाई का मान कितना हो जाएगा 6, और जैसे मैं वाई का मान 0 रखूंगा तो देखो 0, तो ये 2 का भाग इसमें दोगे तो 3। इसी प्रकार समीकरण 2 की सारणी, समीकरण 2 की सारणी, तो 2 की सारणी कैसे लेंगे, देखो ये तो हो गया एक्स, ये क्या हो गया वाई, और यहां पे मैं समीकरण लिख देता हूं 2x - y = 2। अब जैसे मैं एक्स का मान कितना लेता हूं 0, तो ये तो 0 हो जाएगा, तो वाई का मान कितना हो जाएगा माइनस का 2, और जैसे ही मैं वाई का मान 0 लेता हूं तो एक्स का मान कितना हो जाएगा 1। अब देखो इसको आलेख में निरूपित करना है, तो आलेख में ऐसे ले लेता हूं, आप ग्राफ में बनाइए। अब देखो सबसे पहले मैं क्या लेता हूं, एक्स का मान 0, 6, यानी मेरे को ये निरूपित करना पड़ेगा, ये मत कर देना ये वाला,
जीरो को मान छः, तो जीरो तो यहाँ पे हो गया एक्स का मान, मैं यहाँ पे लेता हूँ छः, जैसे मान लो ये छः, तो ये छः हो गया। अब मैं इस बिंदु को क्या लिखूंगा, जीरो को मान छः, यानी वाई का मान छः, और ऐसे ही इसका मान तो कितना लेता हूँ तीन, ये तो तीन हो गया, और वाई का मान कितना हो गया जीरो, मैं इन दोनों को आपस में मिला दूंगा, ठीक है। और ये यहाँ पे लिख दूंगा इसका समीकरण 2x + y = 6। इसी तरीके से ये दूसरे वाले का x का मान कितना लेना है जीरो, और y का मान कितना लेना है माइनस के दो, यानी माइनस का दो मैं यहाँ पे मान लेता हूँ, तो x का मान दो हो जाएगा जीरो कोमा माइनस का दो। तो इस वाले बिंदु से और x इधर दूसरे वाला बिंदु क्या है एक कोमा जीरो, यानी x का मान तो हो गया एक और ये हो गया जीरो, मैं इसको मिलाती हुई एक रेखा खींच देता हूँ। अब ये जिस बिंदु पे काट रहे हैं तो ये कौन कौन से बिंदु जाएंगे x कोमा वाई, जैसे मान लो ये x का मान तो इधर देखेंगे और y का मान इधर देख लेंगे, जैसे मान लो एग्जांपल कोई भी मान आए उसको मान को यहाँ पे रख देंगे, ये ग्राफ बनाने के बाद ही आपको पता चलेगा। अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन लेता हूं 27वां क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27 में दो क्वेश्चन है, मैं पहला क्वेश्चन ले रहा हूँ इसका, इसको सिद्ध करने वाले क्वेश्चन है, देखो ये त्रिकोणमिति का क्वेश्चन है, समझने इस बात में। तो सबसे पहले मैं ले लेता हूँ इसमें LHS, और LHS हमारा क्या रहेगा 1 cos θ / 1 - cos θ। अब देखो मैं यहाँ पे करता हूँ इसका प्रमेयकरण, क्या करता हूँ प्रमेयकरण, तो मैं प्रमेयकरण 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 में क्या होगा, मैं इसको ऐसे कैसे लिखता हूँ, वर्गमूल के अंदर लिखता हूँ 1 cos θ, इसको ऐसे 1 - cos θ। अब प्रमेयकरण में क्या होता है, जैसे यहाँ पे हर में माइनस वाला है ना, तो इसको कैसे लिखेंगे यहाँ पे प्लस में 1 cos θ, इससे हमें कोई मतलब नहीं है यहाँ पे प्लस का हो जाए माइनस का, और इसके नीचे क्या है ये इसी को ऐसे कैसे क्या कर देंगे गुणा कर देंगे 1 cos θ, ठीक है। अब इसको इससे गुणा करा देते, इसको इससे गुणा करा देते, इसको इससे गुणा कराऊंगा तो ये हो गया 1 cos θ का होल स्क्वायर, अंडर रूट इसके पूरे के अंडर रूट रहेगा। अब देखो ये क्या हो रहा है a - b a + b, यानी ये क्या हो जाएगा a - b और a + b, देखो तो ये क्या हो जाएगा a का स्क्वायर माइनस cos स्क्वायर थीटा। अब देखो ऐसा क्यों, a + b * a - b = क्या होता है a² - b², यहाँ पे a का मान तो कितना है एक और b का मान कितना है cos थीटा, तो मैंने ऐसे क्या कर दिया a² + a² + 1 और cos थीटा। अब देखो मैं इसको ऐसे कर दिया, इसका वर्गमूल हटाएंगे ये तो आ जाएगा 1 cos θ। अब और ये क्या हो जाएगा 1 - cos², और 1 - cos²θ = हम जानते हैं क्या sin²θ, कैसे सर्वसमिका एक से, सर्वसमिका एक से, तो ये sin²θ में जैसे यहां पे रखूंगा, देखो इसको वाले का अंडर रूट हटा दिया, इसका भी अंडर रूट हटाएंगे, तो ये क्या हो जाएगा 1 cos θ / sin θ। अब इसको कैसे करेंगे, एक बार इसके नीचे वाला दे देंगे एक बार इसके नीचे, तो 1 sin θ + cos θ / sin θ, तो ये तो होता है दोस्तों क्या cos θ, और ये क्या होगा cot θ, इति सिद्धम। इसी का दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है ये वाला। अब इसमें क्या करेंगे अपन LHS लेते हैं, क्या लेते हैं LHS, LHS में क्या है cos A - tan A को मैं क्या लिख दूं sin A / cos A, ठीक है sin A / 1 - cot A क्या लिखते हैं cos A / sin A। अब सबसे पहले किस कॉल करेंगे, हर वाले कॉल करेंगे, तो हर कॉल करते हैं अपन, तो ये देखो इसको कर देंगे cos A - sin A, तो मैं ऊपर तो cos है तो ऐसे कैसे रहने देता हूँ, इसको इससे गुणा करके ये इसमें से कटाएंगे, तो cos A - sin A और अपॉन क्या आ जाएगा cos A प्लस का साइन sin A, ये ऐसे क्या आ जाएगा sin A - cos A, sin A - cos A / sin A। अब देखो बिन के नीचे बिन, तो ये उल्टी हो जाएगी, तो ये ऊपर जाएगा तो cos² cos A - sin A + sin²
साइन ए माइनस कोस ए। अब देखो यहाँ पे हर में कुछ चेंजिंग है कि कोस ए माइनस साइन ए माइनस कोस ए। यदि मैं इसको माइनस से ऊपर नीचे गुणा कराता हूं तो माइनस एक से ऊपर नीचे गुणा कराने पर तो ये क्या हो जाएगा, कोस स्क्वायर ए कोस ए माइनस साइन ए। तो ये क्या होगा ऊपर नीचे गुणा कराने से, ये तो जाएगा माइनस का साइन स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा, देखो ये माइनस का रहेगा ये प्लस का हो जाएगा, तो इसको मैं लिख दूंगा कोस ए प्लस साइन ए। तो वही बात बन गई ए माइनस बी और ए प्लस बी, यानी ए माइनस बी और ए प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा ए स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। यहाँ पे ए का मान कितना है कोस ए, बी का मान कितना है साइन ए। तो मैं इसको ऐसे लिख दूं ऊपर वाले से किसे जाएगा कोस स्क्वायर ए। देखो ऊपर क्या रहेगा इन दोनों को, ये दोनों समान होंगे तो ये तो समान होने के बाद ये तो ऊपर वाला था ऐसे कैसे आ जाएगा और नीचे क्या आ जाएगा, इसको मैंने गुणा कराया तो क्या आ जाएगा कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। लेकिन यहाँ पे कहीं ना कहीं मिस्टेक हो रही है, एक सेकंड क्वेश्चन में कुछ प्रॉब्लम है, क्वेश्चन में क्या है थोड़ा एक्सचेंज लिख लिया गया, तो यहाँ पे ना सिद्ध में हमें एक लिखना है एक, तो मैं इसको काटूंगा ना तो एक आंसर आ जाएगा और ये हमारा सिद्ध हो जाएगा इति सिद्धम। अब हम हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं 2800 क्वेश्चन। तो अब 2800 क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 28 में दो पार्ट है। पहला पार्ट है यदि बिंदु तो x को मा 3 और 5.7 के बीच की दूरी 5, तो x का मान कहते हो। देखो मैं पहले बिंदु रेखा का ए बिंदु है उसके निर्देशांक है x को मा 3 और b ये है इसके कितने हैं 5.7 और इन दोनों के बीच की दूरी कितनी है 5 सेमी। तो देखो क्या क्या करना है, दूरी सूत्र पहले तो लिखते हैं दूरी सूत्र, और दूरी सूत्र हमारा क्या है, दूरी सूत्र है x 2 माइनस एक्स वन का स्क्वायर प्लस y 2 माइनस y 1 का स्क्वायर, और इसकी क्या लगा दूंगा अंडर रूट। तो मेरे को क्या चाहिए ए बी, तो मैं यदि ये ए बी का स्क्वायर करता हूँ तो इधर अंडर रूट कट जाएगा तो ये हो जाएगा x 2। अब x 2 मेरे पास कितना है 5 माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस y 2 कितना हो जाएगा 7 माइनस 3 का स्क्वायर। अब ए बी स्क्वायर ऐसे कैसे चलता रहेगा, ए बी स्क्वायर का ए बी का मान कितना है 5, तो यहाँ पे मैं क्या कर दूँ 5 का स्क्वायर हो गया मेरे पास 25 और ये क्या तो कितना हो जाएगा इसका होल स्क्वायर करूँ 25 ए माइनस बी का होल स्क्वायर कर दूँ प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 5 × 10 एक्स प्लस 7 में से 3 गया तो कितना बचा 4 का स्क्वायर कितना हो गया 16। 25 और 16 पहले तो 25 और 16 को मैं ऐड करता हूँ तो कितना हो गया 31, तो ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 10 एक्स प्लस 31। अब इस 25 को मैं इधर ले गया तो इधर तो हो जाएगा 0, यानी ये समीकरण हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 10 एक्स प्लस। अब देखो 25 इधर आएगा तो 31 में से कितना घटेगा 25 घटेगा तो कितना बचेगा 6 बराबर 0। अब ये त्रिपद गुणनखंड हो गया, यानी इसके ऐसे टुकड़े करो कि गुणा करने पे तो कितना है 6 और जोड़ने पे आए माइनस के 10 एक्स। एक सेकंड यहाँ पे एक प्रॉब्लम, 25 और 16 कितना हो गया 41, ये हो गया 41, मैंने 25 इसमें से आएंगे 25 घटाना है 25 घटाना कितने बचेंगे 16, यानी गुणा करने पे तो कितना है 16 और जोड़ने पर कितना है 10। तो मैं लेता हूँ एक्स स्क्वायर माइनस मैं ले लेता हूँ 8x माइनस 2x प्लस 16 बराबर 0। तो यहाँ पे इसमें से क्या करेंगे x को मान लेते हैं तो x माइनस का 8 यहाँ से माइनस 2 को मैं लेता हूँ तो x माइनस का 8 बराबर 0। तो या तो क्या हो जाएगा x माइनस 2 और ये तो जो को मान लिए वो लिख लिए और ये लिख लें एक्स माइनस 8 बराबर 0। अब देखो या तो इसका मान 0 है या इसका मान 0 है, तो
तो मैं यहाँ पे कर लेता हूँ एक्स माइनस दो बराबर जीरो, तो एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, एक्स बराबर दो, एक मान तो ये रहेगा, या एक्स माइनस आठ बराबर जीरो, तो एक्स की वैल्यू कितनी रहेगी, आठ, तो एक्स की कितने मान प्राप्त होंगे, दो, एक तो दो और एक कितना होगा आठ, ठीक है। तो यहाँ पे एक्स का मान दो भी हो सकता है और एक्स का मान कितना हो सकता है, आठ भी हो सकता है, ठीक है। अब हम दूसरे क्वेश्चन की बात करते हैं। दूसरे क्वेश्चन में याद करो कि 3x plus y बराबर 9, रेखा दो बिंदु वाली एक रेखा है, उसको किस अनुपात में विभाजित करें। देखो समझो, मैं पहले ये लिखता हूँ एक अनुपात तीन, ये सॉरी एक कोमा तीन, ये मान लो ए है, ये क्या है बी। अब कोई रेखा है बी का है दो कोमा सात, ये कोई रेखा है, इस रेखा का समीकरण है अपने पास, ये जैसे ये रेखा ये जा रही है, अब इसको किस अनुपात में विभाजित कर रही है, तो इस रेखा का समीकरण लिख दिया मैंने 3x plus y बराबर नहीं। माना लैम्डा अनुपात एक में विभाजित करती है, करती है, अर्थात हमारे पास एम वन का मान तो कितना हो गया लैम्डा, एम टू का मान कितना हो गया एक, एक्स वन बराबर हो गया हमारे पास एक, एक्स टू बराबर हो गया कितना दो, और y1 का मान कितना हो गया अपने पास तीन, y2 का मान कितना हो गया सेवन। अब विभाजन सूत्र, विभाजन अंत विभाजन हो रहे हैं, अंत विभाजन का सूत्र क्या होगा, इसके निर्देशांक चाहिए अपन को, तो x, y, y किस अनुपात में विभाजित करते, पहले तो ये निर्देशांक पता चलेगा तभी तो इसका यहाँ पे रखेंगे तभी लैम्डा अनुपात है। तो मैं करता हूं एक्स बराबर एम वन एक्स टू प्लस एम टू x1 अपॉन m1 प्लस m2, तो यहां से x की वैल्यू क्या हो जाएगी, m1 का मान कितना है लैम्डा, x2 कितना है दो, तो मैं लिखता हूं दो लैम्डा प्लस m2 कितना है एक, x1 कितना है एक, तो एक गुणा एक यानी एक बटे m1 m2 यानी लैम्डा प्लस एक, ये तो हो गया x का मान, इसको देता हूं समीकरण एक। अब y का मान, y का सूत्र रहेगा क्या, y1 m2, ये वाला सूत्र ही रहेगा, यानी m1 y2 plus m2 y1 upon m1 plus m2। अब देखो m1 का मान कितना है लैम्डा, y2 का मान कितना है सात, तो सेवन लैम्डा प्लस m2 एक, y1 वन तीन तीन, तो ये कितना हो जाएगा लैम्बडा प्लस वन, तो ये y का मान आ गया। समीकरण दो, समीकरण एक व दो का मान, रेखा समीकरण में रखने पर, रेखा समीकरण में रखने पर, अब हमारा रेखा समीकरण क्या है 3x plus y बराबर नाइन, तो मैं यहाँ पे x का मान भी रख दूंगा y का मान भी रखूंगा, तो तीन गुना ये के लिए दो लैम्बडा प्लस वन अपॉन लैम्बडा प्लस वन प्लस ये y का मान रख दूंगा मैं यहाँ पे, तो कितना है सेवन लैम्बडा प्लस थ्री अपॉन लैम्बडा प्लस वन बराबर नहीं। अब देखो इसको तीन से गुणा करूंगा, लेकिन हर क्या आ रहा है समान आ रहा है, तो इसके लिए लैम्बडा प्लस वन ले लेता हूँ, इसको तीन से गुणा कर दूंगा, छह लैम्बडा प्लस तीन एकम तीन प्लस सेवन लैम्बडा प्लस थ्री बराबर नाइन। इसके नीचे एक लाता हूँ वज्र गुणा करा देंगे, इसको इससे गुणा कराएंगे, तो ये देखो सिक्स लैम्बडा प्लस थ्री प्लस सेवन लैम्बडा प्लस थ्री बराबर, अब इसको नौ से गुणा कराऊँ तो नौ लैम्बडा प्लस नाइन। अब देखो सात लैम्बडा और छह लैम्बडा कितने हो गए तेरह लैम्बडा प्लस के छह बराबर नौ लैम्बडा प्लस नौ। अब देखो ये इधर आ जाएगा तेरह लैम्बडा माइनस नौ लैम्बडा बराबर छह, इधर चल जाएगा नौ माइनस छह, नौ में छह जाएंगे तो कितना बचा तीन, और इधर तेरह में छह हो जाएंगे तो चार, चार लैम्बडा, तो लैम्बडा की वैल्यू कितनी जाएगी तीन बटे चार, तीन बटा चार, अर्थात
लैम्बडा अर्थात 3:4 में विभाजित करेगा, यानी इसका अनुपात कितना रहेगा 3/4 आ रहा ना, तो ये तो हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा कितना 4, यानी 3:4 में आपस में ये विभाजित करेगा। ठीक है, ये समझ में आया होगा। अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन लेता हूँ, 29वां क्वेश्चन। एबीसी एक समकोण त्रिभुज है जिसका कोण बी समकोण है तथा भुजा ए बी पर डी तथा बी सी पर बिंदु ई स्थित है, तो हमें सिद्ध करना है कि ए स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर बराबर ए सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। देखते हैं हम इस क्वेश्चन को, देखिए क्या होता है इसमें। इस क्वेश्चन में सबसे पहले हम क्या करते हैं, डायग्राम। तो सबसे पहले लेते हैं त्रिभुज ए बी सी, ये लिया मैंने ए बी सी, ये समकोण हो गया। अब इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि ए बी पर तो कौन सा बिंदु है, डी, ये हो गया डी। इस पे कौन सा बिंदु है, ई। अब क्या करेंगे, रचना में क्या करेंगे, डी ई को मिलाया, सॉरी सभी को एक साथ ही लिखा, डी ई डी सी ए ई को मिलाया। अब इनको मिलाओ, मैंने डी ई को मिला दिया, मैंने ए ई को मिला दिया और मैंने डी सी को मिला दिया। अब इसमें ध्यान देना है अपन को, अब समझो एक एक त्रिभुज लेते हैं, त्रिभुज ए बी ई से, त्रिभुज ए बी ई से, देखो जैसे ही मैं ए बी लेता हूँ, ए बी ई, तो ये संपूर्ण त्रिभुज ही रहेंगे सभी। तो इसमें क्या होगा कि देखो ए ई का स्क्वायर बराबर, भाई करण का स्क्वायर बराबर क्या होगा, ए बी का स्क्वायर प्लस बी ई का स्क्वायर। समीकरण नंबर दे देते हैं अपन इसको एक, समीकरण दे देते हैं एक। इसी प्रकार अपन त्रिभुज लेते हैं कौन सा, ये वाला डी बी सी, त्रिभुज लेते हैं कौन सा, डी बी सी से, तो डी बी सी में ये तो क्या हो जाएगा करण, तो डी सी का स्क्वायर, डी सी का स्क्वायर रिजल्ट क्या हो जाएगा कि डी बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर, ये पाइथागोरस प्रमेय से हो रहा है। ठीक है, इसी प्रकार क्या लेंगे अपने, एक त्रिभुज लेते हैं कौन सा, डी बी ई, डी बी ई से, डी बी ई से, तो डी बी जैसे लेंगे तो डी बी में देखो क्या होगा कि डी ई का स्क्वायर, डी ई का स्क्वायर बराबर क्या होगा, डी बी का स्क्वायर प्लस बी ई का स्क्वायर, डी बी का स्क्वायर प्लस बी ई का स्क्वायर। फिर इसी के साथ में अपने एक त्रिभुज और ले लेते हैं, डी बी सी, डी बी सी से, तो देखो डी सी का स्क्वायर इज इक्वल टू, तो क्या हो जाएगा, ये डी सी करण होंगे ना, तो ये क्या हो जाएगा, डी बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। अब मैं क्या करता हूँ, इसको देता हूँ समीकरण नंबर 3, इसको देता हूँ समीकरण नंबर 4, समीकरण 1 प्लस समीकरण 2 से, समीकरण 1 और 2 को जोड़ूंगा, तो ए का स्क्वायर बराबर ए बी का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। यहाँ पे क्या जुड़ जाएगा, डी सी का स्क्वायर बराबर डी बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। अब देखो इन दोनों को जोड़ते हैं, तो ए का स्क्वायर प्लस डी सी का स्क्वायर बराबर, अब ये जुड़ेंगे तो ये हो जाएगा ए बी का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस डी बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। अब मेरे को यहाँ पे ये देखना है कि ये डी बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर, डी बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर, देखो ये तो क्या हो गया ए ई का स्क्वायर प्लस डी सी का स्क्वायर बराबर। अब यहाँ पे क्या लेना है कि ए बी,
ए बी के बराबर है, ए बी और बी बी ई स्क्वायर प्लस डी बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर में, तो ए बी का स्क्वायर और बी सी का स्क्वायर, तो इसको तो पास पास में ए बी स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर ये लो और ये लिए, तो ये क्या हो जाएगा बी ई का स्क्वायर प्लस डी बी का स्क्वायर। अब देखो ए बी का स्क्वायर, ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर यानी ए सी का स्क्वायर, ये प्लस रहेगा ना प्लस, और बी ई का स्क्वायर प्लस बी ई का स्क्वायर प्लस डी बी का स्क्वायर यानी ये क्या हो जाएगा डी ई का स्क्वायर बराबर, ये चलता ही रहेगा ए स्क्वायर प्लस डी सी का स्क्वायर। इति सिद्धम। लास्ट क्वेश्चन, तीसवा क्वेश्चन देखेंगे हम। निम्न बारंबारता में माध्य विभवलोक यानी ये बारंबारता है इसका माध्य भी बताना है, अपन विभवलोक बताना है, तो मैं सबसे पहले है ना यहाँ पे लिखता हूँ वर्ग अंतराल, वर्ग अंतराल हो गया 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, 60 से 70। अब मेरे को क्या निकालना पड़ेगा यहाँ पे x, x का मान 20 और 30 को जोड़ोगे कितना होगा 50, और 50 में तो गवा देंगे कितना हो गया 25, ऐसे इनको जोड़ लेंगे 70, तो ये कितना देगा 35, 45, 55, 65। f, f हमें पता है कितना दे रखा है 4, 28, 42, 20 और 6। एफएक्स, एफएक्स का मान कितना है 25 और 100, 28 को 35 से गुणा करेंगे, तो 28 को 35 से गुणा कर लो, 28 को 35 से गुणा, 28 पंजे 140, 140 की शून्य आज चल गई 14, 28 थी 84 और 14 98 यानी 980। 45 को 42 से गुणा करते हैं तो आता है 1800। आप गुणा कर लेना 55, इसको 2 से गुणा करते हैं तो 110, सॉरी 45 को 42 से करेंगे 1890, इसको 55 को 20 से करेंगे तो कितना होगा 55 दूनी 110 यानी 1100, और इसको 65 को 6, 5 31 की सुनने पर 3 और 6 6 36 3 39। अब देखो हमें माध्य पूछा है तो माध्य का सूत्र क्या होगा, माध्य x इज इक्वल टू सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ, तो मैं इनको ऐड करता हूँ, सिग्मा एफ एक्स हो जाएगा, सिग्मा एफ बराबर ये हो जाएगा 28 से 4 32 32 32, 64 और 64 10 74 74 20 94 कितने हो गए 100। अब इनको ऐड करते हैं तो देखो 100 1080 1080 0 1 मिनट 0 8 9 9 18 18 27 27 26 बच के कितने 2। अब देखो इधर बताया है 1 9 1 10 28 28 और 38 और 39 39 39 और 3 42 और 42 तो इधर हो गए 44 60, तो इसका आंसर हो जाएगा 44 60। इसमें मैं भाग देता हूँ 100 का, अतः हमारा माध्य हो जाएगा 44.60। अब हम बहुलक की बात करते हैं, ये नोट कर लो फिर मैं बहुलक इसी में बता देता हूँ इसको कट करके, तो बहुलक देखते हैं हमारा लक। अब बहुलक में क्या क्या होगा देखो, सबसे ज़्यादा बार हम बात किसकी है इसकी 42, तो इसको करते हैं कोमा, इसमें एल का मान मतलब लोअर, तो एल बराबर तो कितना 40, एल बराबर 40 है। एफ वन यानी इसकी फिक्स पर हमारे तक कितने 42, एफ जीरो इससे जस्ट ऊपर तो कितनी होगी 28, एफ एफ टू बराबर इससे नेक्स्ट यानी 20, एच एच यानी इनके बीच का अंतराल कितना है 10, और हमारा सूत्र क्या रहेगा वो लग का सूत्र रहेगा एल प्लस एफ वन माइनस एफ जीरो
टू एफ वन माइनस एफ जीरो एफ टू गुणा एच। एल हो गया अपना कितना 40, ये मान इसमें रख देंगे 40 प्लस एफ वन का मान रख देता हूँ मैं 42, एफ जीरो का मान कितना है 28 अपॉन 2 गुणा 42 माइनस एफ जीरो 28 माइनस 20 गुणा 10। अब इसको हल करना है, सिर्फ 42 में से 28 आएंगे तो कितने बचेंगे 14, 42 दोनों 84, 84 में से कितने जाएंगे 28 और 20, 28 और 20 48, 84 माइनस 48 गुणा 10 और ये 40 इसमें से कैसे ऐड हो जाएगा। देखो इसको अलग कर दे, 14 को 10 से गुणा करेंगे 140 अपन, ये इसमें से 14 में से 8 जाएगा तो 6, 7 में से 4 जाएगा तो 3 प्लस के 40, इसको अलग करते हैं 36 का भाग इसमें देना है अपनों, तो 36 का भाग देने के लिए अपन क्या करते हैं लगभग देखो 35 में से लगभग 3 बार जाएगा, या फिर इसको ऐसे कर लें 18 70 ठीक है, फिर दूसरी कर लेंगे 9 35, हम 9 का भाग दे देते 40 प्लस 9 तिया 27 पॉइंट, बच गए कितने 8, 8 में भाग देंगे यानी 35 में 9 का भाग दे रहे हैं, तो अपन 9 तिया 27 8 8 0 8 9 72 आठ नाम बेहतर, फिर बच गए कितने आठ, आठ नाम बेहतर यानी ये ऐसे चलता रहेगा, तो इसको इसमें ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 43.99, ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से एक क्वेश्चन कंप्लीट होता है। मैं आशा करता हूँ कि सभी को ये समझ में आया होगा, ये हमारा मॉडल पेपर है, इसको आप अच्छी तरीके से समझिए और इस बेस पर आप जितने भी क्वेश्चन हो निकालें। यदि आपको फिर भी कोई प्रॉब्लम रह गई हो तो मेरा व्हाट्सएप नंबर है 9782404731, उस पर मेरे को या तो व्हाट्सएप कर देवें, नंबर एक बार और देख लो 9782404731, या फिर इसी में कमेंट करके बताएं ताकि मैं आपको हल दे सकूं। ठीक है, अब इसी के साथ में 7 मिनट हो गया। ठीक है, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों मैं आपके साथ हमेशा बना रहूँगा, आपके जो भी प्रॉब्लम हो मेरे को बताएं जब तक आपकी एग्ज़ाम नहीं हो जाए।